हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है WD ब्लैक कप सीजन 2 पावर्ड बाय AMD ईस्पोर्ट्स पार्टनर स्काई ईस्पोर्ट्स। मेरा नाम है लूसिफर, मेरे साथ जुड़ने वाले एंकी शॉट्स। ब्लॉक हो चुका है, स्प्रे आ रहा है बिकॉज़ दे हर्ड दैट बूम बट I would say identifying a player, but Shreya, एक स्नेक पॉइंट के थ्रू एक प्लेयर को किल निकालेंगे। नाउ टू प्लेयर्स आर अटैक। जो बात किया था ना यहाँ पे, जो नाइफ जो ब्लेड होता है उसको यूज करके यूटिलिटी डिनाई कर सकते, डज नॉट मैटर, बट एक पे नॉक्स, ही इज मेकिंग थिंग्स वर्क फॉर हिम विद द क्लासिक हेडशॉट्स। टू प्लेयर्स डाउन, बट अभी सिर्फ उनके पास 13 HP है, एंड एज़ सून एज़ ही ड्रॉप्स डाउन उनके पोजीशन अभी कॉल्ड आउट है। एक प्लेयर ब्राउन बॉक्स के पीछे ही है, एंड लुक एट को अगर ब्रेक करेंगे या टैग हो जाएंगे उसकी वजह से, देयर विल बी अ पीक कमिंग थ्रू, एंड नोबडी हैज द आईडिया वेयर मियाओ इज, सिंस आई विल बी टेकिंग आउट वन, बट लुक एट मियाओ'स पोजीशन, एक प्लेयर लेके जाएंगे, ये पूरा गेम बदल सकता है, बट सिंस आई विल बी डिनाइंग नाउ द आखिरी प्लेयर कैस्पर, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइड ऑफ एस्टेरिया। और यहां पे देखिए बुल्स आई थोड़ा अग्रेसिव जाते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी मफिन एलिमिनेटिंग, बट ऑन द अदर एंड लुत्रा एक ट्रेड कर देंगे, IGL को निकाल देंगे, मफिन शी इज एंग्री, शी टेक्स वन मोर एंड द अल्टीमेट इज पॉप। सारे प्लेयर्स का इंफॉर्मेशन मिशन है, बी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, सीकर्स अभी भी अवेलेबल है, एक प्लेयर आएंगे, इंस्टेंट ट्रेड, एक पॉजिटिव ट्रेड हमें देखने को मिलता है साइफर, बट अभी के लिए कोई भी इंटेल नहीं मिलती, एक प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा, बट खुद भी स्पॉट जाएंगे, ब्रिप्सी getting the kill when it is most important, only one player remaining, unko yahan pe the reason Equinox just went back, kyunki unko pata hai wo साइफर है, not a duelist, but yahan pe जैसे ही मिड क्लियर कर रहे थे, Astira were backing off, Britzy was there, but Lutra finds two players and Lutra on the back step, and she is vulnerable. Astira ko side position pata hai, bahut zyada mushkil nahi hone wala, that amazing spree transfer coming from that girl, and look at that reaction in the face coming through Astira ki taraf se wapas Casper, but wonder yahan pe wall ke piche hi khade the, but Miao plays it brilliantly, eliminates and clears that position out, and also gets sight under control, two players ko eliminate kar sake, wall ke piche bhi do, right now is stuck, बट नियाओ सारे प्लेयर्स को वापस भेज देते हैं, जैसे ही उनको ए साइड का कंट्रोल मिल जाएगा, Casper will plan, I mean, जी मेरे को 3 HP remaining, but बहुत ही सही पूरी यूटिलिटी के साथ यहाँ पे स्पैम हमें देखने को मिलता है, बट अगर ये तीन प्लेयर्स पुश करके उसको किल निकाल देंगे, then it's going to be difficult, but does not matter, Muffin will take, ब्यूटीफुल, हम लोगों ने यहाँ पे इनको जरूर देखा था, यहाँ पे एक एस लेते हुए विद रेन, अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे एक मिनट से प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, बट कब तक यहाँ पे दूसरे किल के लिए जाएंगे, अमेजिंग प्ले बाय दिस प्लेयर and still surviving, अभी भी यहाँ पे जिंदा, Sensei will take down Casper, one of the most important player यहाँ पे जो खेल रहे हैं, Britzy के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती हुई, बहुत ही शानदार शॉट, बट कनेक्ट नहीं होगा, Sensei Britzy AFK over there, it looks like yes, and on make its way to the side and get planted, but Bullseye देखिए यहाँ पे base और Bullseye, this is what I'm looking for, 4K आ गया, that's what is even more crucial. Oh, and Casper will take her down. I think if it was an ace, it is clearly denied by Casper. Being the heaven attack favored match, but यहाँ पे decider होने वाला है. यहाँ पे peak जरूर आता है. Muffin loop साथ देते हुए. Since final के लिए यहाँ पे round शुरू हो चुका है, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा fast gameplay हमें देखने को मिलेगा. Shots miss करेंगे, connect करेंगे in the end, and यहाँ पे damage का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा. Well. एक crucial flash आता है, but उसके ऊपर कोई peak अभी तक नहीं आया. And Equinox will be eliminating that lane. Lutra will be getting one. Britzy यहाँ पे जरूर एक 1v1, ये पिस्टल राउंड में बहुत अग्रेसिव जाना चाहते हैं, they've taken mid control, meow, crazy headshot coming in from her, the next one and takes down the spike carrier, Casper gets one for herself, spike carrier यहाँ पे mid में जाते हुए हमें नजर आया, उनको यहाँ पे जरूर pick किया गया, फिलहाल finish damage देने वाले players को, लेकिन Muffin look, where does she comes from, backstabbing the backstabber, oh my god, what I am watching right now, what did we just see Lucifer, isi ke sath yahan pe 1v3 ki situation create kar di gayi hai, and clearly this is going to be 50 round, Equinox 10 hp remaining, ek player ko take down karenge, but Britzy bhi yahan pe down hone wali hai, dono players yahan pe inke samne, isi ke sath spike plant kijiye, uske baad post plant khelna hai, but right now making that not happen, Muffin loop again on her, ek flop ek kami ki yahan pe intezar ki ja rahi hai, Bullseye yahan pe ek player ko take down karenge, but instant trade hame dekhne ko milta hua, and ye jo link tha na, ye ek jo weak link tha usko nikalne ke baad ab yahan pe player jo hai wo ready ho chuke hain आगे बढ़ने के लिए, लूड्रा वर्सेस कैस्पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार है इसी के साथ, यहाँ पे कैस्पर के पास सिर्फ एक एनिमी अवेलेबल है, शेल टेकर मफिन लुक के कंधों पे आएगा, इस्तेमाल होगा वो एक बड़ा सवाल, बट श्रेया इनको यहाँ पे इससे पहले टेक डाउन करने वाले, नाउ कमिंग विद दैट अल्टीमेट, एंड शी कैन मेक क्लियरली मेक अ डिफरेंस, वेल 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 डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाएगा, एंड आखिरी प्लेयर साइफर कहाँ पे है, दे नो क्लियरली ओनली प्लेयर स्टैंडिंग इज मियाओ, हाफ डिफ्यूज के लिए यहाँ पे जरूर जाने वाले हैं, व्हाट बेहतरीन
पोटेंशियल, उसके बाद एक रीपोजिशन आ चुका है। मियाओ नीड्स टू बी वेरी क्रूशियल, गेट्स वन लुकिंग फॉर अनदर, बट इट्स गोना बी अ कोलैप्स। व्हाट अ थ्री, अल्टी यूज नहीं कर रहे बट हर एक यूटिली का बेहतरीन इस्तेमाल करके श्रेया के पास अल्टीमेट अवेलेबल है। आई थिंक वील्टी एस्टेरिया लुकिंग वेरी मच स्ट्रांग, सभी प्लेयर्स के पास अल्टीमेट है बट इक्विनॉक्स मेकिंग दैट डिफरेंस क्लियरली मेकिंग दैट डिफरेंस एंड आई थिंक ये लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। इक्विनॉक्स नो द प्लेयर ऑफ श्रेया, श्रेया को भी टेक डाउन है। यहां ये इनका होम मैप है, माइट बी इट इज पॉसिबल फिलहाल के लिए। एंड देखिए पूरी की पूरी टीम अभी भी बात की जाए ब्रिस्टी के पास अल्टीमेट यहाँ पे बुल्साए, क्लियरली हिटिंग द बुल्साए फिलहाल के लिए। मैं आऊं पेन शेल से यहाँ पे वन नंबर एडवांटेज में आती हुई वीएलटी हमें फिलहाल नजर आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर रेस के बाद का कितना ज्यादा इंपैक्ट रहेगा कल वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बुल्साए एक और बार यहाँ पे म्याओ 16 के को टेक डाउन करेंगे एंड अब यहाँ पे सिचुएशन वीएलटी के फेवर से जा चुकी है। पोजीशन रिवील ऑन बुल्साए है, उसको सप्रेस पूरा कर सकता है बट एक क्रॉस फायर से सब था बेहतरीन करने में कामयाब रहने वाली है फिलहाल के लिए। कॉस्मिक डिवाइड का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे मोमेंट पे बट इक्विनॉक्स आगे आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आगे आएंगे बट द स्पाइक विल बी डिफ्यूज्ड। विंडो को स्मोक किया जाएगा बट विंडो पर प्लेयर्स यहां पर जरूर रहने वाले हैं। ऑफ एंड लुक एक्टिवली होल्ड करते हुए हमें स्काई नजर आ रहे हैं। वेल स्पॉट साइड एक्स विल टेक डाउन एंड इसी के साथ दूसरा किल इनके खाते में आता हुआ। कैस्पर गेटिंग दैट शॉट ऑन सोवा बट मिस करेंगे, लो जरूर करेंगे थोड़ा सा बट क्लियरली मिसिंग द शॉट। स्पॉट साइड एक्स में आउट के साथ यहां पे फाइट लेने वाले हैं एंड ये वो मोमेंट होगा जब ड्यूलिस्ट को पिक ऑफ किया जाएगा। वेल 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 नो इन्फॉर्मेशन गेंड बाय ब्रिची और कैस्पर, यहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं। कैस्पर को मिलेगा वांडर विल बी ट्रेडिंग दैट नाउ, अभी भी वन वीएबल वन, यहाँ पे भी दीस प्लेयर्स कैन मेक दैट हैपन बट साइड एक्स अलॉन्ग विद दिस प्लेयर स्टार्ट पुशिंग इन गराज में इतना स्प्रे डाउन कर देते दे विल बी ब्रेकिंग द वॉल ऑल्सो टेकिंग डाउन अ प्लेयर। मफी लुक पुशिंग विंडो, she will get only one and for that immediately gets traded. VV4 side x gets one more. बिल्कुल यहाँ पे न्यूरल टेफ का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता हुआ। ओनली वन प्लेयर रिमेनिंग एंड इनकी पोजीशन भी पता चल चुकी है। बुल्साए एक एंगल से क्या मफिन यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे ये बड़ा सवाल रहने वाला। वो साइफर के द्वारा ले लिया गया है एंड प्लेयर्स की मूवमेंट को स्पॉट करने वाले एंड एक ऑफ एंगल पे प्लेयर को जरूर कैच करने वाले। इक्विनॉक्स विल बी टेकन फॉर हर टीम, फ्लैशेस का इस्तेमाल, वन प्लेयर विल बी टेकन डाउन, श्रेया कमिंग फॉरवर्ड एंड इस बार वैंडल का इस्तेमाल किया गया। आई थिंक समवन वाज यूजिंग एड इज राइट देयर। वेल 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 बॉट साइड एक्स सैम Being the lurker, spike plant हो चुका है 3v3 situation, but the spike is out in the open. एक kill मिलेगा, but side X, oh my god, that was a collage, it was a spray. हल चुके हैं जिस तरीके से टीम के साथ खेल रहे हैं, amazing. फिलहाल के लिए hunter spirit का इस्तेमाल wonder की तरफ से किया जाएगा, back of the side जो player available है उनको take down करने के लिए, एक player को eliminate किया जाएगा and एक player को tag किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा difference यहाँ पे बना चुके हैं। दिखा पाएंगे दो किल निकाल चुके हैं, दो बेहतरीन किल निकाल चुके हैं। Britzy, what did you just do? Amazing play by this girl. This was much needed. Spike has been planted. सारे players यहाँ पे वापसी करते हुए गराज से एक player आने वाले। That's going to be Miao. Miao gets one. That's going to be Lutra down and out of the board. So अभी controller नहीं है यहाँ पे Anke. This is the opening that the side of Team Asteria need. यहाँ पे वो लोग control भी ले सकते हैं and they also can defuse. Defuse तो यहाँ पे हो रहा है already and they have no idea. Beacon के मदद से पता चल जाता है। Half defuse करने के लिए भी मौका नहीं देते। Shockstar जा रहे हैं। Muffin Loop was trying to do, but it's going to be the last star playing surviving. And it's going to be side X also इनके पास भी attack आने वाला है, इनके पास भी favor होगा। Well, this is the chance. Bullseye taking down Muffin Loop. Once again यहाँ पे guiding light का इस्तेमाल किया जाएगा, flashes exchange किए जाएंगे। Shreya clearly यहाँ पे थोड़ा सा damage देते हुए, but खुद भी यहाँ पे 40 HP मतलब एक bullet यहाँ पे connect होता है and Shale भी taken down। Now 16 के आगे आएंगे, दूसरा shot यहाँ पे connect करने की कोशिश है and उनको 40 बहुत ही शानदार read। Only player remaining is Equinox. 26 HP पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा difference create किया जाएगा तब जब पूरी की पूरी team completely charged है। On the other hand, you are only on 40 HP. Position यहाँ पे पता चल चुकी है and 16 को distract करके कितने बार देंगे? It is always going to favor the attackers and वही होता हुआ। देखिए यहाँ पे Bullseye, he peaks and he will be eliminated by Miao because it was a 1v1. यहाँ पे देखिए एक और आता है, Equinox will be able to get a beautiful right click यहाँ पे साथ देते ही Ludra immediately trade करते हैं और Ludra has an opportunity to pick up that specter. But Britzy already at the backstab has entered the side. Nobody has a clue. एक pick मिलेगा, दूसरा player भी वहीं पे है pushing Ludra, but Ludra still. Thank you, half defeat. भी देख सकते हैं कि
Half defuse is already done. Full defuse हो रहा है. Miao will be able to take down the top fragger हो चुका है अपने टीम के लिए. I think he's looking forward to a lot more. ठीक आएगा. All eliminate करेंगे. Bullseye gets one. Bullseye X getting one more. और देखते ही देखते तीन प्लेयर यहाँ पे एस्टेरिक की तरफ से एलिमिनेट हो चुके हैं. साइड एक्स कमिंग इन, इक्विनॉक्स कमिंग, आखिरी प्लेयर सीधा हेडशॉट, 3K कमिंग इन टू एंड द राउंड. आरओजी एकेडमी थम, इट लुक्स लाइक साइड एक्स इज टेलिंग वेट वेट आई नीड टू स्टॉप, व्हाट वाज दैट, आई हैव नो आईडिया. Going to be the last and decider map in this elimination. Starts off with Equinox getting two insane frags with the classic. Bridge attack में, on the other hand, defense defenders को थोड़ी सी मुश्किल. Casper की position available आगे यहाँ पे हमेशा available रहने वाले. He'll be checked. Check करने कोई फायदा नहीं होने वाला because both side decks precise रहने वाले हैं. Precise gameplay रहने वाला है इनका. High fade as a killjoy यहाँ पे आ गया है. Shelby spotted and it's pretty. Oh no. उस चीज में पहले पार्ट में सक्सेसफुल होती है क्योंकि देखिए दो पॉइंट्स निकाल चुकी है टीम. एंट्री हमें देखने को मिल सकती है. लूटरा यहाँ पे आगे जाएंगे, बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे. Casper will be taking it down, लेकिन सोवा जनरेटर के पास है. आई थिंक सोवा इज द वीक लिंक. देखिए सोवा इज द वीकेस्ट लिंक. बॉट साइड एक्स स्पॉट शॉट शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बॉट साइड एक्स द ओनली प्लेयर रिमेनिंग. ई प्लेयर्स को रोकने के लिए, प्लेयर्स को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा. पुल का इस्तेमाल बॉट साइड एक्स आ जाएंगे. ब्रीज को ओह माय गॉड, अगर आपने वो सिलोवेट में देखा इक्विनॉक्स बेंट डाउन टू मेक श्योर वो शॉट्स नहीं कनेक्ट हो, बट लुद्रा हुआज आउट. वो यहाँ पे कमाल करके दिखाते हैं एंड वंडर विद एन पोजीशन कर चुके हैं. प्लेयर्स पैसिव खेल रहे हैं यहाँ पे वीएलटी की तरफ से. यहाँ पे आमने सामने शॉट फायर किए जाएंगे. ओह माय गॉड, आई थॉट बुलसाई विल मैनेज टू गेट दैट किल बट समहाउ शी गॉट दैट किल. ब्लेड्स ब्लेड्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश रही थी लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है. वेल यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश. आई थॉट ही वाज लक बट नो, ही वाज केयरफुली एंड क्लेवरली आर मूविंग फॉरवर्ड. मिड के एरिया को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा एंड इसी के साथ यहाँ पे आता हुआ है कंकस. एक साथ दो प्लेयर थे, there was nothing much Miao could do. एक प्लेयर को टेकडाउन जरूर कर सकती थी बट वो भी ना हो सका. Casper coming to make the difference, but मुझे नहीं लगता वो भी बहुत ज्यादा difference है. क्या कुछ हमें outcome दिखा सकती है. How you can pull it off now? Miao is going to be stuck. सारे प्लेयर्स एटलीस्ट तीन से चार पुश आउट कर रहे हैं. शॉक टच एलिमिनेट करेंगे. लुद्रा भी पुश आउट कर चुके हैं. लुद्रा विल बी गेटिंग वन ऑन मफिन लूप. अभी पूरा बी साइड का कंट्रोल आ चुका है उनके पास. देयर पुशिंग मिड राइट नाउ. लुद्रा गेट्स वन ऑन हाई फे. व्हाट इज दिस पिस्टल राउंड कमिंग इन. फोर प्लेयर्स पुशिंग इन. आखिरी प्लेयर बच जाते हैं करने के लिए, उनको किल करने के लिए. यहां पर पोजीशन नैनोसोम की बहुत ही बेहतरीन पहुंच चुका है. कैस्पर नियरली गार्डिंग और एक क्रिस्प वंस अगेन एरीज के साथ यहां पे आगे आएंगे. एरीज मैनेजर्स टू गेट वन. लुद्रा विल बी गेटिंग वन. अब यहां पे अकेले प्लेयर एरीज के साथ बचे हुए. कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये राउंड है इनके लिए. क्या निकाल पाएंगे. This is a 1v2 fight. Then you should not give a 1v1. Prithvi, agar wahan pe peek karte, she could have gotten that player down. Peek nahi karte and now wonder. He's in a 1v1 situation. So again, so it's going to be